हरे कृष्णा। सो प्रश्न आया है कि गुरु का क्या आवश्यकता है, गुरु क्या है, और खास करके ये ज़माना पे गुरु ज़रूरी है क्या। सो पहले चीज़ हमको जस्ट डिस्कस कर सकते हैं कि इस दुनिया में सारे चीज़ अगर हमको कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो कैसे ना कैसे हम एक गुरु को कौन से भी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। जब भी हम यंग टाइम गणित या साइंस या जो भी मैथ्स को स्टडी करना, तो गुरु को स्वीकार ही करना, कुछ भी विषय कुछ भी चीज़ है, गुरु तो बहुत आवश्यकता है। तो वैसे आध्यात्मिक चीज़ और फिर क्यों नहीं। आध्यात्मिक चीज़ जो इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म भी नहीं, भौतिक नहीं है, पूरा आध्यात्मिक है, चिन्मय है, तो हम देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो इसके लिए गुरु का और आवश्यकता है ना। खुद को मतलब ऐसा कि हम सोचेंगे चलो आपको एक पुस्तक दे देंगे पढ़ो और डॉक्टर बनाओ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो बौद्धिक विषय है, ये आध्यात्मिक चिन्मय विषय है, तो इसको और क्या आवश्यकता है, बहुत है। सो गुरु क्या है, तो शास्त्र में एक वर्णन आता है, एक तद विज्ञानार्थम सा गुरुम एवाभिगचेत स्तोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो ऐसा बता रहे कि तद विज्ञानार्थम, अगर आपको वो विज्ञान का अर्थ प्राप्त करना, इफ़ यू वॉन्ट टू नो द साइंस ऑफ दैट नॉलेज, ओके, देन स गुरुम एवाभिगच्छेत, आपको एक गुरु के पास जाना ही। गुरु का क्या है योग्यता है, स्तोत्रियम, उन्होंने अच्छे से परंपरा से आया, उनका खुद का गुरु है, खुद से गुरु से सुना, और ये शास्त्र के अनुसार है, ओके, मतलब संप्रदाय में होना चाहिए, स्तोत्रियम। और ब्रह्मनिष्ठम, उनका खुद का प्रैक्टिस है, उनका खुद का आचरण है, वो मतलब भगवान के टुवर्ड्स हेड हो रहे हैं, मतलब भगवान में कनेक्टेड है, ब्रह्मनिष्ठम, ओके। सो ये गुरु का क्वालिफिकेशन है, मेन बेसिक क्वालिफिकेशन है। और खास करके हम देखेंगे कि जो चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर है, मेन फॉलोअर रूप गोस्वामी, तो उन्होंने 64 लिम्स 64 अंग भक्ति का वर्णन किया था भक्ति रसामृत सिंधु में। तो उसमें हम देखेंगे कि पहले जो तीन अंग जो है वो सब गुरु के कनेक्शन में है। तो फर्स्ट अंग जो बता रहे हैं, उन्होंने कहा आधव गुरु पदाश्रय, मतलब पहले चीज़ आप एक गुरु का आश्रय, गुरु का शरण लेना ही पड़ेगा, तब भक्ति चालू हो जाता है। फिर तस्मात कृष्णा दीक्षादि शिक्षणम, उसके बाद आप दीक्षा लेंगे और सीखेंगे कि कैसे भक्ति करने का। पहले गुरु का आश्रय ले लेंगे, फिर गुरु से ही हम सीखेंगे कि भक्ति एक्चुअली कैसे करने का। और उसके बाद तीसरा जो है विश्रम्भेण गुरु सेवा, उसके बाद साधु का सेवा, गुरु का सेवा करेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु के बिना हम डायरेक्टली कृष्णा के पास नहीं जा सकते हैं। सो कृष्णा भी देखेंगे, लोग डायरेक्ट भगवान का पूजा करने का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि भगवान इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि भगवान हमको फीडबैक नहीं देते, कुछ बोलते नहीं, भगवान हमको करेक्शंस नहीं देते कैसे करने का क्या करना, चुपचाप भगवान सब स्वीकार करते। तो किसी को गुरु को सर्विस करना मतलब हमको सुनना भी पड़ेगा, करेक्शन मिलना पड़ेगा, वो हमारा ईगो सहन नहीं कर पाया। तो अहंकार जो है वो बोलेंगे क्या, किसी का भी शेल्टर या शरण नहीं लूँगा, बस हम अपना गुरु जैसा बनाएंगे, हम और भगवान, ऐसा नहीं होगा। सो शास्त्र में बहुत कहीं जगह पे कि भगवान खुद बता रहे कि आचार्य माम विजानीयम, सोचो मत कि मैं अलग हूँ गुरु अलग हैं, नहीं, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु है। तो एक सुंदर उदाहरण है, जैसे घर में खिड़की है, तो खिड़की का काम क्या, बाहर देखने के लिए, भले आप अंदर खड़े भी आप बाहर देख सकते हैं। तो गुरु का वैसे वैसे एक प्रतिनिधि है, एक खिड़की जैसे हैं, जहाँ हम आध्यात्मिक जगत को दिखाते हैं। तो गुरु इज़ अ वाया मीडियम, जो हम आध्यात्मिक जगत के बाहरी में बता सकते हैं, भले हम यहाँ पे, लेकिन हम वहाँ पे परसीव हो सकते हैं, क्यों, गुरु के द्वारा। सो गुरु का मतलब क्या, वो सबसे निकट, सबसे बेस्ट हैं, सर्वेंट हैं भगवान का। सो श्रील प्रभुपाद एक डेफिनेशन दिया थे, फाइंड आउट द पर्सन हु लव्स गॉड द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा भगवान को प्रेम करते, प्रिय करते हैं, तो एक्चुअली वो ही गुरु है। तो गुरु, दैट इज़ द मीनिंग। सो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा इस्कॉन संप्रदाय, हरे कृष्ण संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय भी श्रील प्रभुपाद का के बाद बहुत सारे अनेक अनेक महान शिष्य हैं श्रील प्रभुपाद के, जो गुरु बने और ये आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। सो इस्कॉन के अंदर भी ऐसा कुछ अलग अलग
गुरुज जो लोग एस्पायर कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, उसका नियम्स भी है, तो अगर कोई उसमें फॉलो करते हैं तो ऐसा ये होना चाहिए कि एस्पिरेशन होना चाहिए, कि प्रेरणा होना चाहिए, कि मुझे आशा होना चाहिए कि मैं इतना भक्ति कर रहे, जप कर रहे, हमारा माइलस्टोन्स का प्रोग्रेस क्या, प्रोग्रेस मतलब अभी भक्ति कर रहे, अभी चांटिंग कर रहे, तो आगे में क्या, अभी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे, आगे में नेक्स्ट स्टेप गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। एक्चुअली जब भी हम दीक्षा लेते गुरु से, तब एक्चुअली वास्तव में हमारा भक्ति चालू हो जाता है। एक्चुअल भक्ति दीक्षा होने के बाद, अभी जितना भी हम जप कर रहे, नियम पालन करते, ये सब चीज़ जो है ये बस बेस का, फाउंडेशन का सेटिंग है, जैसे शुद्धिकरण करते बेस का सेटिंग। लेकिन दीक्षा लेने के बाद, इसलिए इंग्लिश में बोलते इनिशिएशन, शुरुआत, तो जब दीक्षा लिया अभी एक्चुअली हम प्रोसेस में हैं, किस चीज़ के लिए, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, हरे कृष्ण। तो गुरु केवल सही मार्ग या मार्गदर्शन दिखाने का नहीं है, खास करके श्री गुरु जो है, जो वैष्णव संप्रदाय में, प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय में है, वो केवल मार्गदर्शन नहीं है, बट एक्चुअली गुरु के द्वारा हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई गुरु नहीं है, गुरु स्वीकार नहीं किया, तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना का बहुत असंभव है।